बहुत समय पहले एक गांव में एक धोबी के पास एक बूढ़ा और एक कमजोर गधा था। दिन के समय धोबी उस गधे से पूरा काम लेता, पर रात को वह उसे खुला छोड़ देता था। एक रात घूमते हुए उसे एक सियार मिला। सियार को भी एक मित्र मिल गया। अब गधा और सियार साथ साथ घूमते और दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। एक रात उन्हें रसीले बड़े खीरों से भरा एक बहुत बड़ा खेत दिखाई दिया। बस दोनों वहां गए और उन्होंने पेट भर कर खीरे खाए। फिर क्या था, शाम होते ही ये दोनों मित्र इस खेत में पहुंच जाते, छक कर खीरे खाते और कुछ ही समय में दोनों अच्छे मोटे तकड़े हो गए। एक रात जब वह खेत से रसीले खीरे खा रहे थे, गधे ने आकाश की ओर देखकर कहा, वाह, आज तो पूनम की रात है। देखो चांद कितना सुंदर है और तारे भी टिमटिमा रहे हैं। मेरा तो गाने को मन कर रहा है। सियार ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना, तुम खतरा मोल ले रहे हो। इस खेत के मालिक को अगर तुम्हारी आवाज सुनाई दी तो पत्थर मार डालेगा, और तुम्हारी आवाज मधुर भी तो नहीं है, तुम कितने बेसुरे हो। मुझे मालूम है तुम मुझसे जलते हो, कहकर गधे ने अपनी बेसुरी आवाज में रेंगना शुरू कर दिया। खतरे को महसूस कर सियार चुपचाप जाकर खेत के एक कोने में बैठ गया। खेत का मालिक बड़ी बड़ी लठियां लेकर वहां पहुंचा। गधा अभी भी रेंग रहा था। माली ने गधे की खूब जमकर पिटाई की और एक बड़ा सा पत्थर उसके गले में बांधकर उसको खेत से बाहर निकाल दिया। अब सियार वहां से निकलकर बाहर आया। उसके गले में बड़ा पत्थर लटका हुआ देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, लगता है तुम्हारे मधुर संगीत के लिए खेत के मालिक ने तुम्हें यह उपहार दिया है जो तुम्हारे गले में लटक रहा है। काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती, गधे ने शर्म से कहा और धीरे धीरे सियार के पीछे चलता रहा। तो अच्छे मित्र की सलाह मानने में ही भला।